किसी की देखता है तो उससे उसका द्वेष हो जाता है, और जब मनुष्य अपने से निम्न स्तर किसी का देखता है तो वह उसकी उपेक्षा कर देता है, नज़रअंदाज उसको कर देता है। तीन चीजें हैं, इन तीन दुर्भावों को तीन सद्भावों से बदल देना चाहिए। जैसे अगर कोई अपने समान है तो उसके प्रति मैत्र भाव रख लो, गुण में समान है, आयु में समान है या पद में समान है तो उसके प्रति मैत्र धर्म स्थापित कर लेना चाहिए, उसको मित्र की तरह उसका व्यवहार उसके साथ करना चाहिए। कोई हमसे ज़्यादा प्रगतिशील है, ज़्यादा आगे है तो उसको देखकर प्रसन्न होना चाहिए, देखो श्री भगवान की इनके ऊपर अधिक कृपा है, इनकी प्रगति अधिक हो रही है, श्री ठाकुर जी कृपा करें ये ऐसे ही प्रगतिशील रहें। और जो अपने से निम्न स्तर का है, छोटा है, उसकी उपेक्षा न करके उससे प्रेम करना चाहिए। तो प्रेम, मैत्री और प्रसन्नता, इन तीन भावों से हम द्वेष, स्पर्धा और उपेक्षा, इन तीन असत भावों को नष्ट कर सकते हैं। नारद जी ने तो ध्रुव जी को यहाँ तक कह दिया, न ताप ही अभिभूयते, यदि ये तीन दोष तुम्हारे अंदर से चले गए तो भक्ति मार्ग की कोई भी बाधा तुम्हें भक्ति मार्ग में रोक नहीं पाएगी। न ताप ही अभिभूयते, कोई ताप संताप तुमको छू ही नहीं पाएगा। हम लोग दुखी होते हैं अपने कारण, जैसे सांप होता है ना सर्प, अपने ही जहर से जलता रहता है। किसी को रसिकों ने कहा, बिनु पावक जरबो करे, एक तो होता है आग से जलना, एक होता है बिना आग के ही जले जा रहे हैं, बिना आग के ही जले जा रहे हैं। किसी भी प्रकार का कष्ट तभी तक आता है जब तक हमारे अंदर ये तीन दोष हैं, किसी से स्पर्धा का भाव है, किसी से ईर्ष्या का भाव है और किसी के प्रति उपेक्षा का भाव है। यदि ये तीन चीजें ना हो तो कभी ताप आ ही नहीं सकता जीवन में, कोई कष्ट आ ही नहीं सकता। तो दक्ष का धर्म भी अधर्म बन गया क्योंकि शंकर जी से द्वेष था। फिर दूसरा चरित्र चतुर्थ स्कंद में आता है श्री ध्रुव जी महाराज का, जिसमें आचार्यों ने श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज ने माना है कि प्रथम चरित्र सती चरित्र में धर्म का निरूपण हुआ, दूसरे चरित्र में ध्रुव चरित्र में अर्थ का निरूपण हुआ। अर्थ अनर्थ की जड़ है, पैसा सब प्रकार के अनर्थों की जड़ है, लेकिन ध्रुव जी महाराज को यहाँ जो अर्थ प्राप्त हुआ है, जो ध्रुव पद प्राप्त हुआ है, वो पिता की दी हुई संपत्ति नहीं है, पिताजी ने थोड़े ही ध्रुव पद दिया था, ये स्वयं साक्षात श्री भगवान ने उनको ध्रुव पद दिया। गोसाई जी ने लिखा भी है, ध्रुव सगलानी जपे हरिनाऊ पायेउ अचल अनुपम ठाऊ, ये अचल अनुपम स्थान भगवत कृपा से ध्रुव जी को प्राप्त हुआ। और भगवान जब कृपा करके किसी को अर्थ प्रदान करें तो वह अर्थ उसकी हानि नहीं करता। जैसे एक गैया अपने बछड़े को दूध पिलाती है, उसका पालन पोषण भी करती है, और कोई हिंसक जानवर को उसे को मारने खाने आ जाए तो उससे लड़ने के लिए भी तैयार हो जाती है, उससे भी उसको बचाती है। तो वैसे ही भगवान जीव का पोषण भी करते हैं और यदा कदा उसको यदि अर्थ या द्रव्य प्रदान भी कर दें तो उससे उत्पन्न होने वाले आसुरी स्वभावों से भी भगवान अपने शरणागत भक्त को बचा लेते हैं। कितने भक्त ऐसे हुए जिनके पास अचल संपत्ति थी लेकिन जिनको कोई मतलब ही नहीं था संपत्ति से। अम्बरीश जी का चरित्र देखो, राजा मधुकर शाह हुए, महाराज आसकरण जी हुए, श्री महाराज जयमल जी हुए, कितने भक्त हुए जिनको उस अपार संपत्ति से कोई लेना देना ही नहीं था, तो वो संपत्ति उनका क्या बिगाड़ पाई, कुछ नहीं बिगाड़ पाई। श्री ध्रुव जी महाराज जिस समय अपनी विमाता सुरुचि के द्वारा तिरस्कृत हुए हैं, तब वहां इनकी माँ सुनीति ने श्री ध्रुव जी को भगवत शरणागति का बहुत उत्तम मार्ग दिखाया, और यह मार्ग तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षु भिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम
बेटा जाओ भगवान की शरण में जाओ, अनन्य भाव से शरण में चले जाओ। भक्ति और शरणागति में क्या अंतर है? भक्ति की सर्वोच्च सीढ़ी का, सबसे ऊपरी सीढ़ी का नाम ही शरणागति है। भक्ति और शरणागति में इतना ही अंतर है, जैसे एक बालक है, माँ की गोद में पड़ा है, एक बालक है रो रहा है, माँ घर के किसी अन्य कार्य में लगी है, तो बालक चिल्ला रहा है माँ माँ माँ। तो बालक के द्वारा माँ को बुलाने के लिए जो रोना गाना जो साधन हो रहा है, ये भक्ति है। लेकिन जब माँ आती है तो घर के बहुत से काम है, तो बालक को कभी कोई खिलौना पकड़ा देगी, कभी कुछ पकड़ा देगी। पर जिस बालक को खिलौना ही चाहिए या जिस बालक को कुछ और ही चाहिए, वो तो उसको पाकर प्रसन्न हो जाएगा, उसका रोना गाना बंद हो जाएगा। पर जिस बालक को केवल माँ ही चाहिए, वो खिलौना भी फेंक देगा, वो चॉकलेट भी फेंक देगा, वो और भी दूसरी चीज़ें फेंक देगा। जब तक माँ उसको नहीं मिल जाएगी तब तक वो रोता ही रहेगा। तो माँ को बुलाने के लिए बालक के द्वारा जो साधन हो रहा है वह भक्ति है। और जब माँ मिल गई, तो मिलने के बाद अब तक बालक माँ का भजन कर रहा था, अब माँ की गोद में बालक आ गया, तो अब बालक कहता अब माँ हमारा भजन करे, हम क्यों माँ का भजन करें। तब फिर माँ भजन करती है बालक का, फिर कहीं बालक को लाला कहेगी, दुलारा कहेगी, बेटा कहेगी, तरह तरह से उसको गा गा के सुनाती है, चुप करती है। तो अभी तक बालक के द्वारा माँ का भजन हो रहा था, फिर माँ की गोद मिलने के बाद माँ के द्वारा बालक का भजन होना आरंभ हो जाता है। श्री मलुकदास जी महाराज ने कहा है, जिह्वा जपूं न कर जपूं, मुख सो कहूं न राम, मेरा सुमिरन हरि करें मैं पाया विश्राम। हमने तो खूब राम राम कर लिया, माला पर भी कर लिया, उंगलियों पर भी गिन लिया, लेकिन अब तो वह स्थिति आ गई कि अब राम जी बैठकर मलूक 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 करें, अब मलुकदास राम राम नहीं करेंगे। ऐसी स्थितियां भी आ जाती हैं जहां भगवान के लिए भक्त सेव्य बन जाते हैं, उनका आराध्य बन जाते हैं। रासपंचाध्याय में देखें तो गोपियों का भजन भगवान ने किया है। रासपंचाध्याय में वर्णन है, उपगीय मान उद्गायन, एक और गोपियां कृष्ण गीत गा रही हैं और दूसरी ओर श्याम सुंदर गोपियों का गीत गा रहे हैं, गोपियों का भजन कर रहे हैं। एक और गोपियां श्री ठाकुर जी की चरण सेवा कर रही हैं, दूसरी ओर श्याम सुंदर श्री ब्रज गोपियों की चरण सेवा कर रहे हैं। तो भक्ति की जो सर्वोत्कृष्टतम अवस्था है उसका नाम शरणागति है। और शरणागति का मतलब अब बालक निश्चिंत हो गया, माँ की गोद मिल गई, अब वह निश्चिंत हो गया। शरणागत बालक को न तो अपने खाने की चिंता होती है, न पहनने की चिंता होती है, सुबह पेट भर गया तो शाम को भरेगा कि नहीं भरेगा ये सोचने की जरूरत नहीं है गोदी के बालक को। कहाँ सोचता गोद का बालक, वो तो बिल्कुल निश्चिंतता, माता के पूर्ण आश्रय में है, बिल्कुल निश्चिंत पड़ा रहता है। गीले में पड़ा हूँ तो सूखे में कोई उठा कर रखेगा कि नहीं रखेगा, इसकी भी उसको चिंता नहीं है। शरणागत भक्त का मतलब ही यह है, पूर्ण रूपेण भगवान के आश्रित हो जाना, पूर्ण रूपेण आश्रित। और यही आश्रय श्री सुनीति मैया ध्रुव जी को सिखा रही हैं, अनन्य भावे निज धर्म भावते मनस्य अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। बेटा हृदय में श्री भगवान को विराजमान करके अनन्य भाव से उनका भजन करना, ये मत सोचना मैं माँ हूँ, तान पाद तुम्हारे पिता हैं, सबका आश्रय छोड़कर केवल श्री कृष्ण का आश्रय लेकर निकल जाओ। और जब श्री ध्रुव जी महाराज चले हैं, अनेकानेक प्रतिकूलताएं विषमताएं आईं, लेकिन कोई भी विषमता प्रतिकूलता उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। बड़ा सुंदर भाव है श्री मलुकदास जी महाराज का, जो हरि हैं तो कहा डर भाई, जो हरि हैं तो कहा
भगती निशान बजाई जी ने आप बीती लिखी है। पैण पैण पर पहरा बैठा, पैण पैण बटमार, पग पग पर मारने वाले खड़े कर दिए थे राणा जी ने। और श्री नाभा जी ने लिखा है भक्तमाल में, सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कलयुग ही दिखायो, बार ना बांको भयो, गरल अमृत जो पियो, दुष्टन दोष विचार के मृत्यु को उद्यम कीनो। दुष्टों ने मृत्यु के बड़े बड़े उपाय किए मीरा जी के लिए, कहीं भूत महल में सुलाया, कहीं जहर दिया गया, कहीं सर्प भेजा, लेकिन कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया मीरा जी का। मीरा जी ने स्वयं नाभा जी ने कहा है, भक्ति निशान बजाए के काहू सो नाहिन लजी, और लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर बजी। भक्ति निशान बजाए के, भक्ति डंके की चोट पर मीरा जी ने भक्ति की, डर के भक्ति नहीं की। करिए भगति निशान बजाई, करिए भगति निशान बजाई, जो हरि है तो कहा डर भाई, जो हरि है तो कहा
का एक सोपान है रक्षिष्यति विश्वासः। भगवान हमारे रक्षक हैं ऐसा पूर्ण विश्वास मन में होना चाहिए। गोत्रृप्त वर्णम, भगवान को रक्षक के रूप में वर्ण कर लिया जाए। शरणागत, माता का शरणागत बालक कहाँ अपनी रक्षा की चिंता स्वयं करता है, कहाँ अपने जीवन निर्वाह की चिंता स्वयं करता है। श्री ध्रुव जी को यही अनन्य शरणागति का भाव सुनीति मैया ने दिया है। और श्री ध्रुव जी महाराज जब चले हैं श्री देवर्षि नारद जी की मार्ग में कृपा प्राप्त हुई है और श्री नारद जी ने दिव्य सूत्र दिव्य उपदेश ध्रुव जी को दिया, तीन सूत्र जिनका अभी अभी हम लोगों ने श्रवण किया। मधुवन में श्री यमुना जी के किनारे साधन भजन आरंभ करने का निर्देश किया और श्री भगवान नाम का आश्रय लेने के लिए कहा। तब श्री ध्रुव जी महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मंत्र का, इस भगवान नाम का आश्रय लिया और 6 महीने के बहुत अल्प समय में ध्रुव जी महाराज ने अनन्य भाव से भावित होकर भजन करते हुए श्री ठाकुर जी को प्राप्त किया। जिस समय श्री भगवान पधारे हैं तब यहाँ श्री मैत्री जी महाराज ने वर्णन किया है, भृत्य दिदृक्षया गतः, ध्रुव जी के दर्शन हेतु भगवान मधुवन में पधारे। चाहते तो एकाएक ध्रुव जी के सामने प्रकट हो सकते थे लेकिन श्री ठाकुर जी एक विचित्र पद्धति से आए ध्रुव जी के सन्मुख, लोक लोकांतरों में होते हुए, महर लोक में, तप लोक में, जन लोक में, ब्रह्म लोक में, इस तरह से लोक लोकांतर में होते हुए आए। ऐसे क्यों आए? क्योंकि जिस लोक में जाते सभी लोग यही पूछते, हे नाथ आज कहाँ पदार्पण हो रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं? तब श्री भगवान एक ही बात कहते, ध्रुव जी के दर्शन करने जा रहे हैं, ध्रुव जी के दर्शन। अरे ऐसा भी कोई है? सारा संसार, सब संसार के दर्शनीय भगवान हैं, ये ध्रुव कौन है जिसके जिसके लिए जो भगवान का भी दर्शनीय बन गया? अपने भक्त की गौरव को, अपने भक्त की महिमा को भगवान स्वयं प्रकाशित करते हुए जब श्री ध्रुव जी के सन्मुख पहुँचे हैं तब श्री भगवान ने ध्रुव जी को वहाँ दर्शन दिया है और श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। ध्रुव जी ने प्रभु का जब स्वरूप दर्शन किया है, तिरोहितम सहसैवोपलक्ष बहिस्थितम तदवस्थम ददर्श, भगवान सन्मुख खड़े हैं, ध्रुव जी को पता नहीं। श्री ठाकुर जी ने हृदयाकाश में जो मनोहर छवि थी उसको खींच लिया। ध्रुव जी ने छटपटाते हुए जब नेत्र खोले हैं, भगवान का साक्षात्कार हुआ, मन ही मन विचार करने लगे, बहिस्थितम, अरे इसी को तो मैं अंदर देख रहा था, यही बाहर आ गए। ववंद तांगम विनमय्य दंडवत, ध्रुव जी ने दंडवत किया है। दृग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिवन निवारभकः, एक टक अपलक दृष्टि से ऐसे देख रहे हैं भगवान को जैसे मानो अपनी दृष्टि से उनको पी जाएंगे। भुजही इवाश्लेषण गाढ़ आलिंगन, जोर से श्री भगवान के चरणों को पकड़ रखा है ध्रुव जी महाराज ने। और वहां श्री ध्रुव जी महाराज ने चुम्बन निवास्यन, कभी श्री ठाकुर जी के दक्षिण चरण को चूमते हैं, कभी वाम चरण को चूमते हैं, यही ध्रुव जी की षोडशोपचार पूजा है जो वैदिक कर्म कांड में 16 प्रकार से भगवान के अर्चन की पद्धति कही है। अब ध्रुव जी के पास वहाँ ना कोई पूजन सामग्री है, ना वहाँ अक्षत है, ना नैवेद्य है, ना कुमकुम है, ना धूप है, ना दीप है, कुछ नहीं है।
लेकिन यही ध्रुव जी की पूजा है, षोडशोपचार पूजा है। ध्रुव जी महाराज भगवान का स्तवन करते हुए कह रहे हैं, योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधामना। अभी अभी कोई ऐसी शक्ति मेरे हृदय में प्रवेश कर गई है जिसने मेरी सोती हुई इंद्रियों को जगा दिया। संजीवयति, अभी तक ये इंद्रियां सो रही थी, अब एकाएक इंद्रियां जाग गई। 5 वर्ष की अवस्था ध्रुव जी की है, ना वेद अध्ययन किया है ना शास्त्र का ज्ञान है, लेकिन जब ध्रुव जी ने स्तवन आरंभ किया है, ठाकुर जी ने ज्ञान में शंख उनके कपोल से स्पर्श कराया, ऐसा दिव्य ज्ञान ध्रुव जी को हुआ। बोले ये कौन सी शक्ति है जो मेरे अंदर प्रवेश करके मेरी इंद्रियों को जगा रही है, अभी तक तो मुझे बोलना भी नहीं आता था, न मुझे कोई शास्त्र ज्ञान था, न मुझे वैदिक ज्ञान था, और एकाएक ध्रुव जी ने फिर ऐसी सुंदर स्तुति की है कि सब वेद शास्त्र का निष्कर्ष, सबका सार उस स्तुति में कह दिया। ध्रुव जी ने प्रार्थना की है, प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम अन्यांश हस्त चरणत श्रवणत्वगादीन। इस शक्ति ने मेरे हाथ में, मेरे पैरों को, मेरे श्रवण को, मेरी त्वचा को, सबको जगा दिया, सबको जीवन दे दिया। और श्री ध्रुव जी महाराज ने वहाँ भगवान को प्रणाम करते हुए बहुत सुंदर एक भाव कहा है, हे नाथ नूनम विमुष्ट मत यह तव माययाते ये त्वाम भवाप्यय विमोक्षणम अन्य हेतो हो अर्चन्ति कल्पक तरुम कुणपोप भोग्यम इच्छन्ति यत् स्पर्शजम निर्येपि नृणाम। निश्चित रूप से उन लोगों की बुद्धि को माया ने ठग लिया है जो लोग आपकी प्राप्ति के बाद भी आपसे नश्वर वस्तुओं को चाहते हैं। देखो इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं हो सकती, हम भगवान को पाकर भी अगर उनसे संसार चाहें तो इससे बड़ी मूर्खता की बात क्या होगी। कुणपोप भोग्यम, ये संसार के जितनी भी वस्तु पदार्थ हैं ये सब मुर्दा हैं, ये सब नश्वर हैं, मरने वाले हैं। निर्येपि नृणाम, नरक में भी ये विषय भोग मनुष्य को मिल जाते हैं। एक कुत्ते को भी विषय उपलब्ध हो जाता है, एक मल के कीड़े को भी विषय मिल जाता है, पक्षी योनि में भी विषय उपलब्ध हो जाता है, और इन्हीं विषयों को यदि हम भगवान से चाहें तो इससे बड़ी मूढ़ता और क्या होगी। अर्चन्ति कल्पक तरुम कुणपोप भोग्यम इच्छन्ति यत् स्पर्शजम निर्येपि नृणाम। जो जीव, जो जन भगवान से भी संसार चाहते हैं, निश्चित रूप से उनकी बुद्धि को माया ने हर लिया है। यदि हमारे चित्त में भगवान से, भगवान के अतिरिक्त कोई कामना है तो इसका मतलब हमारी बुद्धि को माया ने हर लिया है, माया के द्वारा हमारी बुद्धि का अपहरण हो गया है। दूसरा मुख्य सिद्धांत, ध्रुव जी महाराज ने प्रार्थना की है, हे नाथ आपने मुझे दर्शन दिया, बड़ी कृपा की, लेकिन ये दर्शन मुझे कितनी देर सुलभ है इसका मुझे भी ज्ञान नहीं। मैं अब आपसे एक ही वस्तु मांगना चाहता हूँ, आपके निज जनों में मेरा मन लग जाए, उन जनों की निरंतर मुझे प्राप्ति होती रहे। ध्रुव जी से भगवान ने पूछा, क्यों ध्रुव, जब हमारा दर्शन हो गया तो अभी भी हमारे जनों की प्राप्ति बाकी रह गई? बोले हाँ प्रभु, आपकी प्राप्ति का उतना भरोसा नहीं जितना आपके जनों की प्राप्ति का भरोसा है। आप जनों की प्राप्ति दे दें, बोले उससे क्या लाभ होगा? बोले ये नांजसो और व्यसनम भवाब्धिम, जब भक्तों के मध्य बैठूंगा और वे कथा कीर्तन रूपी नौका तैयार कर देंगे, उस नौका में जब आपका गुणगान करते हुए मैं बैठूंगा तो भवसागर कब पार हो जाएगा ये मुझे पता भी नहीं चलेगा। भगवान का गुणानुवाद एक ऐसा जहाज है, एक ऐसी नौका है, ये नौका ही भवसागर से पार कर सकती है और कोई उपाय नहीं। गुणानुवाद ही जहाज है, गुणानुवाद ही नौका है, और इस जहाज, इस नौका को खेने वाले भगवान के भक्त ही हैं। आप कृपा करें मैं आपके गुणानुवाद में ऐसा उन्मत्त हो जाऊं, मुझे शरीर की सुदबुद्ध न रहे, ऐसे संतों का संग आप मुझे प्रदान करें। यही भाव श्री मीरा जी ने भी कहा है, गाय गाय हरि के गुण निश दिन, गाय गाय हरि के गुण